हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा चौधरी। आज मैं आपको किचन की टाइल्स साफ़ करना बताऊंगी और गैस को किस तरह आप साफ़ करें। तो देखिए, मैंने अपनी टाइल्स को 4-5 दिन से साफ़ नहीं किया है, जिसमें साग भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और काफ़ी गंदी भी हो रही है। ये नज़दीक से आपको दिखाऊँ तो शायद देख पा रहे होंगे, और गैस भी मेरी गंदी हो रही है। मुझे वीडियो बनानी थी इसीलिए मैंने साफ़ नहीं किया। आप देख सकते हो टेल्स वगैरह वो अच्छे से गंदी हो रही है। तो चलिए साफ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कम खर्चे में बिगर केमिकल के किस तरह अपनी टेल्स को साफ कर सकते हो। आपको किचन के टेल्स और गैस को साफ करने के लिए आपको लेना है यहाँ पे गर्म पानी। मैंने यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, आधा कप के आसपास पानी है, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरफ। आप कोई सा भी सरफ यूज़ कर सकते हो, मेरे पास यही सरफ रहता है तो मैंने यही सरफ यूज़ किया है। आप कोई भी सरफ यूज़ कर सकते हो। और हम इसमें बना लेंगे झाग, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मतलब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें चाहिए इस तरह का कुछ भी जूना, और इसमें हम डाल देंगे इसे। तो चलिए आपको साफ करते हैं और दिखाते हैं। इसी के साथ हमें चाहिएंगे 2 कपड़े। एक कपड़ा हमें चाहिएगा आला, जो पानी में भीगा हुआ हो, एक कपड़ा चाहिएगा हमें सूखा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस तरह हमें इसे रगड़ना है। ऐसे हम इस साइड भी रगड़ लेंगे। अब हम सूखा कपड़ा लेंगे, तो आला कपड़ा लेंगे, उसको भी इस पे ऐसे लगा के साफ कर लेंगे, जितना भी हमने सरफ इस पे लगाया है। आपको कोई भी केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार भी साफ कर रहे हो तो इसी तरीके से साफ करें। बस गर्म पानी का यूज़ करें, ठंडे का यूज़ ना करें, क्योंकि गर्म पानी चिकनाई बहुत अच्छे से छुटाता है। ये देखिए टाइल्स हमारी साफ़ हो गई हैं ऊपर की सारी। अब हम करेंगे गैस की सफाई। तो हम इस पर डाल देंगे सरफ और रगड़ेंगे। अक्सर आपने देखा होगा गैस के हम चारों तरफ साफ़ कर देते हैं, और जो यहाँ पे ये पेच होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी जम जाती है। ये देखिए 3 पेच हैं, और मेरे यहाँ पे दूध निकला था तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सफाई नहीं की थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो हल्का सा गंदा होगा। आप देख सकते हो हाथ से भी ये छूट जाएगा। तो यहाँ पे हम जूने से ज़्यादा अच्छे से नहीं छुटा पाते हैं, क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से जाता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बहुत ज़्यादा बारीक मतलब इस तरह हो, बहुत ज़्यादा मतलब जो कांटे वाली चम्मच आती है ना, उसका भी ट्राई ना करें, उससे इस पे लकीर पड़ जाती है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई करके देखा था तभी मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये मेरा चक्कू इस तरह का है कि इससे लकीर नहीं पड़ती, और इससे बहुत अच्छे से मैं इस तरह करके साफ कर देती हूँ। तो इसकी किनारी पूरे अच्छे से साफ़ हो जाती है। ये देखिए हमारा साफ हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था और 2 दिन पहले का ही ये लगा हुआ है इस पर, तो बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसे और भी साफ कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा होगा।
चारों तरफ से गैस को हमने अच्छे से रगड़ दिया है। और हम एक आला कपड़ा लेंगे और इस तरह हम इसे पोंछ देंगे। एक बार और हम इसे धो के इसमें फेरेंगे। अब हम मारेंगे इस पर सूखा कपड़ा। हमारी गैस हो चुकी है साफ। ये देखिए हमारी गैस बिल्कुल साफ हो चुकी है। और मैं टेल्स दिखाऊं तो आपको, ये देखिए पहले कुछ इस तरह की थी, कितना गंदा हो रहा था, अभी देखिए बिल्कुल चमक गई है। की भी हमने बिल्कुल साफ कर दिया है और ये देखिए बिल्कुल चमक गए हैं ये भी। और यहाँ पे भी टाइल्स बिल्कुल चमकी पड़ी है, कहीं भी आपको गंदा नहीं दिखेगा। मैं कभी भी टाइम मिलता है, 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं इसी तरह साफ करती हूँ और बिल्कुल टाइल्स चमक जाती हैं। कुछ जगह तो ऐसा होता है जैसे यहाँ पर हुआ, तो हमें डेली ही साफ करना पड़ता है, 1 बार या 2 बार तो करना पड़ता ही है साफ, क्योंकि यहाँ बर्तन साफ़ करते हैं तो कुछ ना कुछ गंदा हाथ या कुछ ना कुछ लगते ही रहते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने अपने बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं। तो सबसे आसान तरीका और कम खर्चे में आप अपनी चमकती हुई किचन पा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी और नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।